संदेह की बात कह रही हैं, ताकि उनके पति को भी न्याय मिल सके, उनके हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। यूं तो सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई की मंद गति से सुमन निराश हो चुकी है। जैसे एनआईए ने इस चीज को सामने लाया है, रमेश सिंह जी मुंडा वाले केस को, तो अब मुझे भी लगता है कि मैं भी वहां जाके एक बार डिमांड करूंगी भाई कि आप मेरे मामले को भी देखिए, मेरे पति की भी नक्सलियों ने हत्या की थी, तो इसमें क्या वजह है। 10 साल पहले तत्कालीन झाबुमो सांसद सुनील महतो की हत्या 4 मार्च 2007 को होली के दिन हुई थी। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला मंडल के बागुड़िया गांव में चल रहे फुटबॉल मैच में सुनील बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि नक्सली राहुल के दस्ते ने सुनील महतो को गोलियों से छलनी कर दिया था। मामला सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन खुफिया एजेंसी हत्यारों को नहीं खोज पाई। पूर्वी सिंहभूम पुलिस सीबीआई को सहयोग करने की बात भी कह रही है, इसके बावजूद हत्यारों को नहीं पकड़ा जा सका है। और इस संबंध में जो है सेंट्रल एजेंसी उसका अनुसंधान कर रहे, पूर्व में भी हम लोग सीबीआई का सहयोग किया है पूर्वी सिंहभूम पुलिस के द्वारा, और फ्यूचर में भी हम लोग सहयोग करें। सुनील महतो हत्याकांड में नक्सली राहुल मुख्य आरोपी है, उसने पश्चिम बंगाल में सरेंडर भी कर दिया है, इसके बावजूद पुलिस उससे सच नहीं उगलवा सकी है, लिहाजा सीबीआई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन नक्सली राहुल ने इस साल जनवरी में बंगाल में सरेंडर किया, लेकिन सीबीआई एक्शन में क्यों नहीं आई। सवाल नंबर 2, पिछले 10 साल में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची। सवाल नंबर 3, होली के दिन सुनील महतो के मैच में मौजूदगी की सूचना नक्सलियों तक कैसे पहुंची। सवाल नंबर 4, अपने सांसद की हत्या पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुप्पी क्यों साधी। सवाल नंबर 5, सुनील महतो काफी लोकप्रिय हो रहे थे, ऐसे में उनकी हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश तो नहीं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठाने के साथ साथ राजनीतिक साजिश की ओर भी इशारा करते हैं। नक्सली राहुल ने बंगाल में सरेंडर जरूर कर दिया है, लेकिन उसके सरेंडर करने का कोई फायदा इस मामले की जांच में नहीं मिल पा रहा है। कैमरामैन नितेश कुमार के साथ हमने अमृता, ईटीवी न्यूज, जमशेदपुर।